हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सेकंड लेसन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला और इसके बाद डायमेंशन एंड एनालिसिस पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको हर बार, लगभग हर बार आपको इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डायमेंशन एंड एनालिसिस को जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताते जाऊँगा, आप पूरा ध्यान से देखिएगा और पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिए, ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट चोट ना जाए। बात समझ में आ रहा है? तो अगर प्रीवियस वाला क्लास आप देखना चाहते हो तो आई बटन क्लिक करके उसको देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ये जो चैप्टर है, मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन होता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी है। डायमेंशन मीन्स व्हाट? बात समझ में आ रहा है? तो डायमेंशंस होता है, दीज आर द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। अ स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के सर पे पावर होता है, एंड दैट पावर इज कॉल्ड डायमेंशंस। दैट पावर इज कॉल्ड डायमेंशंस। बात समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दिया, दीज आर द पावर्स टू व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी एक स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी के सर पे पावर होता है, उस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशन। जैसे आप बोल सकते हो फोर्स, जैसे आपको बोल सकते हो फोर्स। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, एंड दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज मास मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे देख सकते हो मास तो मास होता है, और यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो? चेंज इन वेलोसिटी मींस ऑब्वियस बात है, स्पीड है। ऑब्वियस बात है, ये एक स्पीड है। अब वो स्पीड को हम क्या लिखते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ, जैसे लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, और यहाँ पे आप लिख सकते हो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो आपका हो गया डिराइव्ड, जो भी आपका फॉर्मूला है वो है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि इसमें हम लोग बोल सकते हैं, इसका यूनिट निकाल सकते हैं केजी, लेंथ का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड स्क्वायर है। तो ये डिराइव्ड यूनिट हो गया। बट हमें चाहिए क्या? डायमेंशन चाहिए। अब ये जो फंडामेंटल मास एक फंडामेंटल है, लेंथ एक फंडामेंटल यूनिट है, और आपका जो ये टाइम है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब मास का जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल M से, उसके पावर 1 है। लेंथ को हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका पावर अगेन 1 है। और टाइम जो उसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका पावर -2 है। तो ये हो जाता है एक्चुअली डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये जो 1, 2 एंड -2, ये सब क्या है? ये हम ऐसा लिख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ दिस फोर्स इक्वल्स टू 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। अब ऐसा लिख सकते हो। तो ये हो गया उस फोर्स का डायमेंशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फोर्स। बात समझ में आ रहा है? अब डायमेंशनल फॉर्मूला किसको कहेंगे? जो आप रिप्रेजेंट करते हो ना, ये एम एल टी, इसके पावर कुछ कुछ लिख के जा रहे हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो MLT-2, MLT-2। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये बात आ रहा है, मैंने पहले भी बताया, ये जो डायमेंशन है वो क्या है? पावर टू व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। एक स्पेसिफिक क्वांटिटी कौन है? स्पेसिफिक क्वांटिटी फोर्स है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, कैंडेला हो गया, उसके बाद आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। बात समझ में आ रहा है? जो इंटेंसिटी है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर होता है, दैट पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। अब आई थिंक आपके दिमाग में पूरा का पूरा घुस गया होगा। अब इसको लिखते कैसे हैं? 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। इसको लिखने का तरीका होता है, दिस इज कॉल्ड डायमेंशंस। अब MLT-2, इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। बात समझ में आ गया? तो इतना समझ आया? तो अभी हम कुछ और पढ़ते हैं, जैसे एनर्जी। मैंने आपका लास्ट क्लास में एनर्जी का डिराइव्ड अपने जो यूनिट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स, ऐसे थर्ड ब्रैकेट लिखे ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो डी ऑफ फोर्स, ऐसे लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट से इसको डिफाइन किया जाता है, दिखाया जाता है, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट से इसको दिखाया जाता है ना, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब एनर्जी का जो डिराइव्ड यूनिट है आपको वो बताना था। यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये क्या है, हाफ मीन्स मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी स्क्वायर। अब वेलोसिटी स्क्वायर देखो यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या होगा, वन आएगा, फिर भी हम फॉर्मूला में लिख देते हैं मास मल्टीप्लाइड बाई, ये हम वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, लेंथ पावर वन, या फिर मल्टीप्लाइड बाई टाइम माइनस टू और इसका स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई। अब यहाँ पे इसका डायमेंशन लिखना है, जैसे एनर्जी का डायमेंशन आपको लिखना चाहते हो, एनर्जी का डायमेंशन या फिर डायमेंशन ऑफ एनर्जी, बात समझ में आ रहा है। इसमें आप लिखोगे ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। कांस्टेंट टर्म हमेशा डायमेंशन लेस होता है, ये याद रखना है, इधर में दिमाग में घुसा देने का, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई। हाँ, ये इसका डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, मास पावर वन है, लेंथ पावर टू है, टाइम पावर माइनस टू है। अब इसका सिंबल लिखो, m पावर वन, l पावर टू, t पावर माइनस टू। अब ये थर्ड ब्रैकेट ये स्क्वायर ब्रैकेट से इसको डिफाइन करा दो, बस हो गया आपका डायमेंशन ऑफ एनर्जी। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको मोमेंटम के बारे में बोला था, क्या बोला था, मोमेंटम। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं। व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। रफ्तार एंड मास के साथ, रफ्तार एंड मास के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मिलता है, मोमेंटम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मास इंटू वेलोसिटी, क्या बोल सकते हो, मास इंटू वेलोसिटी। मास का m होता है, ये वेलोसिटी है मतलब स्पीड है, स्पीड में क्या लिख सकते हैं, एल टी इनवर्स, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ P। आई थिंक इतना समझ में आ गया। अगर इसका यूनिट लिखना चाहते हो तो kg और यहाँ पे मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक डिटेल में आपको बता दिया, मैंने आपको बताया फोर्स, यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे मोमेंटम, ये सारे चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है। एक एक करके आपको आगे लेके जाता हूँ और आप मेरे साथ जुड़े रहो, आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर से हर साल नीट एंड जेई में मिनिमम एक क्वेश्चन पूछता है, बात समझ में आ रहा है। हाँ तो बच्चों, अभी पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डायमेंशन एनालिसिस करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है। जैसे आप मान लो दो डायमेंशन लिख रहे हो या फिर कोई इक्वेशन लिख रहे हो, मानो ए बी, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा लिख दिया आपने, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, ऐसा कुछ लिख दिया। अब अगर ये डायमेंशन एनालिसिस में जा रहे हो तो उस सिचुएशन में इसका कुछ कंडीशंस होता है, आप प्लस कर सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इंटू डी ऐसा लिख दिया है ना। तो ये जो इक्वेशन लिख रहे हो ये डायमेंशन एनालिसिस में या डायमेंशनली ये करेक्ट है या नहीं, ये सारी चीज़ देखना होता है। और होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है एक्चुअल में जो कंडीशंस, जो हमारा लिमिटेशंस होता है, वो सारे चीज़ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें बताता है। हम कैसे डायमेंशन एक दो तीन फिजिकल क्वांटिटी को प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते, सब्ट्रैक्ट कर सकते, डिवाइड कर सकते, कुछ भी कर सकते, तो वो कैसा कंडीशन होना चाहिए। तो पहला कंडीशन, वी कैन multiply a physical quantity, we can multiply physical quantities with same and different dimensions। हम दो तीन physical quantity को multiply कर सकते हैं same as well as different, उसका dimension होगा तब भी। बात समझ में आ रहा है। तो suppose मैंने लिख दिया एक c to a into b। अब ये situation में इसने ऐसा बोला कि ये जो dimension है, ये A एक फिजिकल क्वांटिटी है, B ऑल्सो एक फिजिकल क्वांटिटी, C भी अलग फिजिकल क्वांटिटी, तीनों के तीनों क्या है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है, तीनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, हमने प्लस करा, बात समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे इसने बोला कि सेम एंड डिफरेंट डायमेंशंस, हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम हो या फिर डिफरेंट हो, दिक्कत नहीं है। मतलब एक्चुअल में अगर मैंने ए एंड बी को मल्टीप्लाई करा तो डायमेंशन ऑफ ए हो सकता है इसका इक्वल है या फिर हो सकता है उसके डिफरेंट है, बात समझ में आ रहा है। डायमेंशन ऑफ बी या फिर हो सकता है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये दोनों इक्वल भी हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। ये इक्वल हो सकता, अच्छा यहाँ पे मैंने ये सी का नहीं लिखा, ये क्या हो सकता है, ए बी के बराबर हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बी सी के बराबर डिफरेंट हो सकता है। ये दोनों मिलके हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी बनता है। तो ये होता है पहला प्रिंसिपल जिसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को, बट उसमें क्या होना चाहिए, सेम हो या डिफरेंट हो, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। उसका डायमेंशन क्या हो, डिफरेंट हो या फिर सेम हो, हम कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा हमारा कंडीशन है उसमें क्या बोला, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक, या प्लस ऐड नहीं कर सकते जब तक उसका डायमेंशन सेम ना हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो, वी कैन नॉट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस। जैसे मैंने ऐसा करा कि सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी, बट इस कंडीशन में क्या बोला इसने कि जो डायमेंशन ऑफ सी होगा, ऑब्वियसली ये दोनों का समेशन का इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ सी होगा वो इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए होगा एंड दैट इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी। ये जो सेकंड कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन ने क्या बोला, डायमेंशन ऑफ सी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी। और पहला कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, ये डिफरेंट हो या फिर सेम डायमेंशन का हो, हम कर सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, आगे जाके हम देखते हैं कुछ डायमेंशन एनालिसिस। जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, एनालिसिस। ये डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है, यहाँ पे कुछ सारे मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस में डायमेंशन को। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मेथड्स है, ये एक मेथड है जो डायमेंशनल एनालिसिस, ये डिफरेंट एप्लीकेशन सच एज कन्वर्जन यूनिट हो गया, चेकिंग द करेक्शन ऑफ फिजिकल रिलेशन हो गया, एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ये सारे चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला हो गया हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट, क्या हो गया, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। दूसरा हो गया चेकिंग करेक्शन ऑफ फिजिकल रिलेशन, एक फिजिकल रिलेशन को करेक्ट हो रहा है कि नहीं वो हम चेक करने के लिए डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। फिर एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हो गया आपका फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल कांस्टेंट। तो ये तीनों टॉपिक, हम चारों टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कन्वर्जन, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, चेकिंग द करेक्शन, चेकिंग करेक्शन ऑफ अ फिजिकल रिलेशन, एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंडिंग डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, जैसे प्लैंक कांस्टेंट हो गया, एप्सिलॉन नॉट का हो गया, म्यू का हो गया, परमिटिविटी हो गया, परमिएबिलिटी हो गया, ये सारे चीज़ हम, जो भी आर का रिलेशन हो गया, जो भी आपका गैस कांस्टेंट हो रहा है, ये सारे चीज़ हम यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस करके उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, चेकिंग करेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन, ये दोनों टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, सी एंड डी, एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एंड फाइंडिंग डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल कांस्टेंट। ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है इस दोनों टॉपिक से पूछता नहीं है। तो चारे को चारों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम एक एक करके निपटाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। हाँ तो बच्चों, पहला पॉइंट जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है उसको हम पहले देखते हैं, एक एक करके हम जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट में क्या है, देखो, जैसे हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये मैंने पहला क्लास में आपको पहला स्लाइड में बताया था। Q equals to n into U, ये होता है आपका कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, द अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड U इज द स्टैंडर्ड यूनिट या फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है। बात समझ में आ रहा है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये वाला हो गया। दूसरा, अगर यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी जेई सिस्टम में ले जाओ, जैसे सीजीएस सिस्टम में ले चले जाओ, एफपीएस सिस्टम में ले चले जाओ, एमकेएस सिस्टम में ले चले जाओ, एसआई सिस्टम में ले चले जाओ, द अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। बात तो समझ में आ रहा है। 5 लीटर पानी अब सीजीएस सिस्टम में ले जाओ, वही 5 लीटर पानी ही है, लेकिन उसका यूनिट अलग हो सकता है। बात समझ में, उसका यूनिट अलग है लेकिन अमाउंट तो खत्म नहीं होगा। लेकिन सीजीएस में लेते लेते ये 2 लीटर बन गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे खाने वाला कोई नहीं है, बात समझ में आ रहा है, पीने वाला कोई नहीं है, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे कोई भी सिस्टम में हम लिख सकते हैं Q = N1U1 = N2U2 = N3U3 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रहा है। तो N1 हो गया किसी भी एक सिस्टम में, सिस्टम 1 पे मान लेते हैं ये सिस्टम 1 का है, ये सिस्टम 2 का है, ये सिस्टम 3 का है। तो इस सिस्टम में ये हो गया हमारा यूनिट इन सिस्टम 1, और ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 1, ये यूनिट इन सिस्टम 2 हो गया, ये यूनिट इन सिस्टम 3 हो गया एंड सो ऑन, ऐसा करके गया हुआ है। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो अमाउंट है ये हमारा डिपेंड कर रहा है। अब जैसे कि देखो N × U जो है, N × U ये ऑलवेज कॉन्स्टेंट है, ये ऑलवेज कांस्टेंट है। अब यहाँ से थोड़ा देख सकते हो, ये n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u हो रहा है। अब यूनिट को बढ़ाते जाओगे तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू घटते रहेगा। बात समझ में आ रहा है। एक एक करके हम इसमें निपटाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। जैसे मान लो फाइंड, यहाँ पे बोला कि फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यंग्स मॉडुलस, फाइंड द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इन सीजीएस सिस्टम 10 टू द पावर, इसको 10 मान लेते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये यहाँ पे ये कन्वर्ट करने के लिए आपको यंग्स मॉडुलस क्या है जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे बता देगा। ये आपका एसआई यूनिट में आपको दिया हुआ है, आपको चाहिए इन सीजीएस सिस्टम में, इन सीजीएस सिस्टम में उसका एन का वैल्यू क्या है आपको निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला टर्म क्या हो गया हमारा इस सिस्टम में, जो एसआई सिस्टम में उसका N1 है, ये हो गया उसका U1 है। अब सीजीएस सिस्टम का एक U2 होगा और हमें N2 का वैल्यू चाहिए। द अमाउंट तो बराबर रहेगा, तो आप बोल सकते हो N1 = U1 N1 × U1 = N2 × U2। बात समझ में आ रहा। हाँ, तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना चाहिए होता है कि ये यूनिट का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो निकालना है। तो ये क्या है हमारा न्यूटन है, और न्यूटन को हम क्या बोलते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ये होता है, और ये आपका मीटर जो है ये न्यूटन का हो गया, मीटर जो है वो लेंथ का अगेन मीटर स्क्वायर हो गया। इसका डायमेंशंस आपको चाहिए, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या लिख सकते हो, m ये लेंथ का हो गया, ये t का -2 हो गया, और ये लेंथ का अगेन 2 हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, ये 2l m ऊपर चला जाएगा, ये l -1 और t -2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। यहाँ पे ये हुआ, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस, हमें इतना पता चला। अब देखो ध्यान से, एक सिस्टम में डायमेंशन फॉर्मूला है, दूसरा सिस्टम में गया तो डायमेंशन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, बट यूनिट को चेंज करा जाएगा, यूनिट को चेंज करा जाएगा। अगर देखा जाए तो इन एसआई सिस्टम, एक हमारा एसआई सिस्टम हो गया और दूसरा हमारा सीजीएस सिस्टम हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। अब यहाँ पे जो सीजीएस एसआई सिस्टम में हम 1 kg को इन सीजीएस सिस्टम में क्या बोलते हैं, 1000 ग्राम। अब 1 मीटर को इन सीजीएस सिस्टम में हम लोग 100 सेंटीमीटर बोलते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब उस हिसाब से हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप एसआई सिस्टम में लिखना है, यहाँ पे आपको सीजीएस सिस्टम में लिखना है, एक एक करके हम इसको लिख। हाँ, तो ये एसआई सिस्टम में कितना दिया हुआ है, एसआई सिस्टम में कितना दिया हुआ है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ये 10 टू द पावर 10। अब ये मास का जो यूनिट है, मास का यूनिट क्या है हमारा 1 kg, इसके पावर 1 है। अब लेंथ कितना है 1 मीटर, इसके पावर -1 है, और ये t कितना है 1 सेकंड, इसके पावर -2 है। ये हमारा एसआई सिस्टम का आया। अब सीजीएस सिस्टम में क्या आएगा उसको हम देख लेते हैं जरा। ये हो गया हमारा सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं पता, N × 1 ग्राम × 1 सेंटीमीटर × 1 सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब ये दोनों को जब आप इक्वेट कर दोगे, ये एसआई सिस्टम का है, ये आपका सीजीएस सिस्टम का है। मैंने क्या बोला था, अमाउंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये हमने क्या लिखा, एसआई सिस्टम में लिखा, सीजीएस सिस्टम में लिखा। उसके बाद एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम को हमने इक्वेट करना है 25 × 10 to the power 10 इंटू 1 kg, फिर 1 मीटर पावर माइनस 1, फिर 1 सेकेंड पावर माइनस 2 इक्वल्स टू n इंटू 1 ग्राम, फिर आपका हो गया 1 सेंटीमीटर, फिर आपका हो गया 1 सेकेंड। आप ज़रा ध्यान से देखो, n इक्वल्स टू क्या होगा, 25 × 10 to the power 10। बात समझ में आया? मास के साथ मास को सेम बराबर लाना है, 1 kg डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई, ये -1 है, ये पावर 1 है, ये सेकेंड माइनस 2। अब ज़रा ध्यान से देखो, इधर कितना होगा, 1000 डिवाइडेड बाई 1, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1, तो इसमें 1 × 10 to the power 3 आ रहा है, इसमें 100 डिवाइडेड बाई 1। तो इसमें जो हमारा नेगेटिव, यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ, 25 × 10 to the power 10, 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, और यहाँ पे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, -1, और ये तो 1 ही है। अब देखो यहाँ पे -2, यहाँ पे 3, तो बचा 1। तो आप बोल सकते हो 25 × 10 to the power 11। अब यहाँ पे ग्राम, सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो हमारा सेकंड स्क्वायर है उसको हम लोग बोलते हैं डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। हमने पहले क्या करा, डायमेंशन को निकाला, डायमेंशन फॉर्मूला निकाला। उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि उसका अंत वाला जो भी हमारा यूनिट्स है, फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट करना है ना। तो ये हमने फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट करा। उसके बाद एसआई सिस्टम में लिखा, सीजीएस सिस्टम में लिखा, दोनों को इक्वेट करा। क्यों करा, क्योंकि अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, मैंने यहाँ पे आपको बताया था। दोनों को करा, फिर वहां से जिसका n निकालना होता है उसके इधर से आप, वैसे ही तो आप जानते हो, डिवाइड करना होता है। बस हमने इसके आंसर निकाल लिया। दिस इज द अमाउंट ऑफ यंग्स मॉडुलस इन सीजीएस सिस्टम। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज गिवन एज, इसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ये आपको अभी जानने का जरूरत भी नहीं है, आपका डायमेंशन दे दिया। देखो ऐसा दे दिया कि डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन एज m power 1, l power minus 2, minus 1, and t power minus 1। ये सारे दे दिया। उसके बाद आपको बोला फाइंड हाउ मेनी पॉइज इन सीजीएस सिस्टम। ये सीजीएस सिस्टम में है, इज इक्वल्स टू 1 पॉइजली इन एसआई सिस्टम। एक एसआई सिस्टम में जो हमारा 1 पॉइजली है वो कितना इन सीजीएस सिस्टम में पॉइज होगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताना है। सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला निकालना था, वो तो निकाल के दे दिया। उसके बाद आप दोनों अमाउंट को इक्वल करना है और बाकी आगे बढ़ना है। बात समझ में आ रहा है नहीं? ये आपका होमवर्क है, आप इसको करोगे, अभी 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 इंस्टेंटली करोगे, और नीचे जो कमेंट करके बताओगे मेरे को, बताओगे। अगर ये करेक्ट हो गया, आप करेक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे, करेक्ट। और करेक्ट नहीं हुआ, एक ही बार करना है, पहले करके ही आपको मेरे को तुरंत उसको कमेंट करके बताना है। और दूसरा, अगर ये आपका रॉन्ग हो रहा है तो आप इसमें ऑप्शन में रॉन्ग देना है। तो कमेंट बॉक्स में आप ये दोनों बताना है, अगर करेक्ट हुआ तो करेक्ट बताना है, रॉन्ग हुआ तो रॉन्ग बताना है। एक ही बार ईमानदारी से ये करना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो अगले क्लास में हम बाकी जो पार्ट बचा हुआ है उसको खत्म करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिएगा और ये सारे चीज़ आप पढ़ लीजिएगा एक बार। और मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते रहूँगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मिलते रहेगा, मेरे साथ जुड़े रहोगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।